कंप्यूटर नेटवर्क OSI मॉडल नेटवर्क लेयर। लास्ट वीडियो में हमने किया था डाटा लिंक लेयर क्या होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं और फिजिकल लेयर क्या होते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे नेटवर्क लेयर क्या फंक्शंस करती है। ठीक है, फर्स्ट इज होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी। होस्ट एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका सिस्टम है राइट, एक होस्ट दूसरे होस्ट को पैकेज सेंड कर रहा है। ठीक है, तो उन दोनों की जो कनेक्टिविटी होती है वो डायरेक्ट, जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्ट होता है तो वो किसके थ्रू होता है, नेटवर्क लेयर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर वन होस्ट है, यहाँ पर सेकंड होस्ट है, यहाँ पर कोई भी पैकेट सेंड हो रहा है या कुछ भी काम हो रहा है उसके लिए एक प्रोसेस रन करता है। ठीक है, प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल यहाँ रन हो रहा है, एक प्रोसेस यहाँ रन हो रहा है, सेम पर्पज के लिए हो रहा है राइट, कि वो दोनों कनेक्ट करने के लिए या फिर पैकेट सेंड करने के लिए, दूसरे एंड पर पैकेट रिसीव करने के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो प्रोसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो इनको हम बोलते हैं एंड टू एंड कनेक्टिविटी। वो किसका काम होता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, जो कि अभी हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस टू प्रोसेस या फिर एंड टू एंड कनेक्टिविटी किसके थ्रू होती है, नेटवर्क लेयर के थ्रू होती है, और होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी होती है नेटवर्क लेयर के थ्रू। ठीक है, और इससे पहले हमने क्या किया था, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर हब टू हब कनेक्टिविटी देता है, मींस जब ये कोई भी पैकेट एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर जाएगा तो वो राउटर्स के थ्रू जाएगा, स्विचेस बोल सकते हैं या फिर हब बोल सकते हैं हम उनको। ठीक है, तो उनके थ्रू जब ये होता हुआ जाएगा तो ये क्या हुआ, हब टू हब कनेक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो ये कौन प्रोवाइड कराता है, डाटा लिंक लेयर। सो क्वेश्चन अगर आपको कंफ्यूजन के लिए हो सकता है इनमें से कोई भी आ जाए तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी लेयर एक्चुअल में कौन सी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रही है। सेकंड इज लॉजिकल एड्रेसिंग। सी हमने दो टाइप की एड्रेसिंग होती है, लॉजिकल होती है और एक होती है फिजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, अभी यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। फिजिकल एड्रेसिंग कब जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल ये एक नेटवर्क है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी स्टेशंस हैं या फिर हम कह सकते हैं सिस्टम्स हैं जो कि आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो एक ही नेटवर्क के अंदर जब सिस्टम कनेक्ट होते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं तो उनको सिर्फ फिजिकल एड्रेसिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, बट अगर वही सिस्टम आउटसाइड द नेटवर्क किसी और नेटवर्क के सिस्टम के साथ कनेक्ट होना चाहता है तो उस टाइम पर इसको लॉजिकल एड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो एड्रेसिंग कौन प्रोवाइड कराता है, नेटवर्क लेयर के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल चार नेटवर्क्स हैं और ये पूरा इंटरनेट है। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए दिखाया है कि नेटवर्क बहुत सारे हो सकते हैं। इसको आप ऐसे ले लीजिए कि एक एयरटेल का नेटवर्क है, एक वोडाफोन है, एक आइडिया है, और इस तरह से जब ये इंटरनली कनेक्ट हो रहे हैं तब इनको फिजिकल एड्रेसिंग चाहिए। जब ये जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ठीक है, सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और जब इनको दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होना है तब इनको लॉजिकल एड्रेसिंग चाहिए होगी। ठीक है, तो ये कौन कहता है, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट इज स्विचिंग। स्विचिंग क्या होती है, जो स्विचेस होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। स्विचिंग किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कि जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप इंटरनल कनेक्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ लॉजिकल एड्रेस चाहिए होगा, बट जब आप आउटसाइड कनेक्ट करो तो आपको फिजिकल एड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको स्विचेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो स्विचेस है वो हेल्प करते हैं आपको दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होने में। ठीक है, तो वो भी आपके नेटवर्क लेयर पर होती है। नेक्स्ट इज राउटिंग। राउटिंग में क्या होता है, ये भी हम डिटेल में कर चुके हैं। राउटिंग क्या होती है कि राउटर्स जो होते हैं वो टेबल बनाते हैं। किस चीज़ की टेबल बनाते हैं, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर अगर पैकेट सेंड करना है तो कौन कौन से रूट्स हैं, कौन कौन से पाथ्स हैं। ठीक है, तो उनकी वो टेबल बना कर रखता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो राउटिंग टेबल बन रही है उसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, राउटिंग। ठीक है, ये जो राउटर्स राउटिंग टेबल बना रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, राउटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो राउटिंग में टेबल्स बनेंगी, राउटिंग टेबल्स, इनको यूज करके एक्चुअल में स्विचेस क्या करते हैं, इनको रीडायरेक्ट करते हैं। क्योंकि अभी मैंने पीछे क्या कहा कि आप
एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कनेक्ट कर रहे हो स्विचेस के थ्रू, बट स्विचेस किस चीज की हेल्प ले रहे हैं, राउटिंग टेबल्स की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि उनको रूट देखना है कि एक्चुअल में दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स एक बड़े पैकेट को छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देना। क्यों डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पिछली वीडियोस में टोकन रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और इथरनेट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। तो टोकन रिंग में क्या था कि फॉर एग्जांपल, ये टोकन रिंग में क्या होता है कि हर एक सिस्टम या फिर हम कहें स्टेशन के पास एक टोकन जाता है और टोकन होल्डिंग टाइम होता है। होल्डिंग टाइम मतलब कितना टाइम वो अपने पास रख सकते हैं, और जो टोकन होल्डिंग टाइम होता है उस टाइम में ही वो जितना मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं उनको अलाउड होता है। ठीक है, मतलब कितना पैकेट सेंड कर सकते हैं, वो साइज कितना हो सकता है पैकेट का डिपेंड करता है कि उनके पास टोकन होल्डिंग टाइम कितना है, और सबका सेम रहता है, राइट। सो ये हुआ कंसेप्ट टोकन रिंग का। इथरनेट में क्या होता है, इथरनेट में कोई टाइम डिसाइड नहीं होता, उसमें क्या होता है साइज जो है पैकेट का वो डिसाइड होता है कि आप मैक्सिमम 1500 बाइट्स ही सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होगा, तो हो सकता है कि दोनों नेटवर्क ने डिफरेंट टोपोलॉजीज यूज की। फॉर एग्जाम्पल ये रिंग में और ये इथरनेट है, ठीक है, तो ये जब राउटर्स के थ्रू कनेक्ट हुए और पैकेट यहाँ से यहाँ सेंड होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो मैक्सिमम साइज कितना है 1500 बाइट्स, कितना ही रिसीव कर सकते हैं या फिर सेंड कर सकते हैं, बट टोकन रिंग में डिपेंड करता है कि टोकन होल्डिंग टाइम कितना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कीजिए कि हो सकता है कि टोकन होल्डिंग टाइम इतना ज़्यादा था कि कोई भी स्टेशन, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेशन है, वो पैकेट सेंड कर रहा है और उसका साइज 1500 बाइट से ज़्यादा है, और जब ये राउटर्स के थ्रू जाएगा तो इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगी। फ्रेगमेंटेशन क्यों होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इस नेटवर्क में साइज कितना अलाउड है 1500 बाइट्स, तो ये उन पैकेट्स को डिवाइड कर देगा, फ्रेगमेंट कर देगा। और फ्रेगमेंटेशन हम ऑलरेडी फुल डिटेल में आपके कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, गो थ्रू हो जाइए, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट भी। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन से क्या होगा कि इजिली यहाँ पर रिसीव हो जाएगा अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, डाटा रिसीव होगा बट अलग अलग फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, तो ये सभी फंक्शन, ये जितने भी फंक्शंस मैंने अभी बताए, ये किसके किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये होती है नेटवर्क लेयर की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर।